हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज मैं आया हूँ अपने गांव सैनी, वो इसलिए क्योंकि मैं कवर करना चाह रहा हूँ अपना कावड़ यात्रा का जो फंक्शन होता है किस तरह से होता है। मंदिर पाया हूँ और पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे मंदिर सजता है, किस तरह से यहाँ पर कावड़ यात्रा आते हैं और अपने गाँव के नहीं बाहर के भी यहाँ पर आके ठहरते हैं। वैसे मेरा इस बार मन था कि मैं भी कावड़ यात्रा मतलब हरिद्वार जाऊँ, कावड़ लेकर आऊँ जल वगैरह और उधर से पूरा वो व्यू कवर करता हूँ, लेकिन अफसोस इस बार वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश रहेगी, सब चीज़ सही रही तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड गए हुए हैं इसलिए मैं अकेला हूँ। यहाँ थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन हाँ खुशी इस बात की है कि वो कल तक यहाँ पे लौट आएंगे, वापस रास्ते में आ चुके हैं वो, और उनको लेने जाएंगे तो वो सब हम कवर करेंगे। और पॉसिबल हुआ तो मैं रास्ते में मतलब जहाँ तक वो आएंगे वहाँ तक मैं जाने की कोशिश करूँगा कल, तो जो कावड़ यात्रा है वो भी थोड़ा सा कवर करने का मौका मिलेगा। लेकिन मंदिर के आसपास का पूरा माहौल हम कवर करने जा रहे हैं। और आज है 24 जुलाई 2022, तो 26 का अपना जल है 26 जुलाई का, तो तब तक हम पूरा व्यू कवर करेंगे जितना भी होगा जैसे भी होगा। ओके गाइस, अभी मैं मंदिर के आसपास खड़ा हूँ, तैयारी चल रही है, कुछ दिन पहले भी तैयारी हो चुकी है, दो दिन से तैयारी चल रही है और कुछ तैयारी अभी भी होनी बाकी है, कुछ तैयारी हो चुकी है। तो मैं अभी मंदिर के बाहर जाऊंगा मेन गेट पर और वहां से पूरा व्यू कवर करते हुए आऊंगा, क्या क्या तैयारी हो चुकी है, क्या क्या तैयारी नहीं हुई है, अभी सब चीज़ हम कवर करेंगे। ओके, तो मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूं मंदिर के और वहां से कवर करके लाता हूं पूरा व्यू। ओके, इधर अपनी साइकिल, इससे हम सवार होकर चलेंगे। ओके गाइस, ये है अपने मंदिर का मेन गेट, यहाँ से ही सभी कावड़ यात्रियों की एंट्री होती है। यहाँ पर ज़्यादातर अभी सजावट नहीं हुई है, गेट भी वैसे सजता है। अभी आसपास की लोकेशन, आसपास का व्यू देख सकते हैं, अभी गेट सजना बाकी है। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर लाइटिंग वगैरह हमें देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बल्ब वगैरह लग चुके हैं। पहले येलो वाले बल्ब जो होते थे 100 वोट के वो लगते थे, अब एलईडी बल्ब यूज़ होते हैं तो इस वजह से एलईडी बल्ब लगा दिए। और पहले जो 100 वोट के जो बल्ब होते थे वो रंग बिरंगे होते थे, कलरफुल ऑरेंज रेड ग्रीन कुछ इस कलर के, तीन कलर के बल्ब होते थे, तो इस बार एलईडी के सिंगल बल्ब लगे हैं। पूरा रास्ता इसी तरह से है, थोड़ी साफ़ सफाई कर दी रास्ते की, आसपास से जो गंदगी थी वो हटा दी गई है और ज़्यादातर वरना रास्ते पे घास हो जाती है तो रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है उसकी वजह से, लेकिन अभी यहाँ पे साफ़ सफाई करके क्लियर कर दिया थोड़ा बहुत। इधर थोड़ा पानी वगैरह है, ये भी साफ़ हो जाएगा कल तक। ओके, एक गेट पहले यहाँ लगता था, पहले के मुकाबले यहाँ पे गेट अभी यहाँ पे नहीं है, वो गेट इस बार आगे शिफ्ट कर दिया थोड़ा आगे, आपको देखने को मिलेगा। इधर भी साफ़ सफाई हो गई, घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है। ये पार्किंग वगैरह के लिए है, बाइक्स किसकी कार वगैरह आती है उस दौरान तो यहाँ पे पार्क हो जाती है इजीली। ओके, और रात में यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेला साहब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से धीरे धीरे मतलब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपको एक मिकी माउस देखने को मिलेगा, खाने पीने का भी व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग चलती है, शुरुआत ही दौर है तो आपको ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आएगी। स्टैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लंबे स्टैंड लगे हुए हैं जल टांगने के लिए, अपनी कावड़ रखने के लिए यहाँ पे। ओके, अभी हम मंदिर का दौरा करेंगे, आसपास घूमेंगे मंदिर पे। अपनी साइकिल को मैं साइड में खड़ी कर देता हूँ और उसके बाद हम मंदिर के आसपास घूमते हैं कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की व्यवस्था की गई है। ओके गाइस, हम यहाँ से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मौसम लग रहा है। आप बादल देख सकते हैं कितने ज़्यादा घने हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग हो जाती है मंदिर की, एक गेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये लाइटिंग वगैरह हो रखी है और एक गेट बाहर लगेगा मेन जगह पे जहाँ पे लाइटिंग होनी बाकी है, अभी वहाँ पे पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है। ओके, और यहाँ पे कावड़ यात्री जो आएंगे अपने उनके लिए यहाँ पे जल और कावड़ रखने की व्यवस्था है और काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे स्टैंड लगाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे हमारे मंदिर में एंटर होने के लिए दो गेट हमारे पास, एक नॉर्मल हमारे जो गांव के लोग आएंगे मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने वाले आने जाने वाले, और कावड़ यात्री जो दूसरा गेट है जहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई है आगे उधर की साइड से एंट्री लेते हैं और वहाँ से अंदर जाते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं और उसके बाद अपना जल जब वहाँ पे रख देते हैं और जब जल चढ़ाना होता है उस टाइम पे चढ़ाते हैं। इधर भी कावड़ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, इधर से अब हम कवर करते चलेंगे, पहले पूरा मंदिर कवर कर लेते हैं इधर से। ये जितने भी कमरे हैं, जितने भी स्पेस हॉल वगैरह है, यहाँ पे सब कावड़ यात्री बैठने उनके लेटने की व्यवस्था है। और इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी टेंट वगैरह लग चुका है और अभी भी तैयारी चल रही है। और इधर जो कावड़ यात्री आएंगे उनके लिए नहाने की व्यवस्था है, ये जो होदी है
वेल है, नल वगैरह, उनके नहाने के लिए व्यवस्था है। ये तो अभी भी पानी चल रहा है। पीछे की साइड चलते हैं, पूरा एरिया कवर करके आते हैं कहाँ तक ये है अपना। कुछ कांवड़ यात्री आ चुके हैं और आराम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले मंदिर का स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता करता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ा दिया धीरे धीरे करके। इधर भी ये पूरा फिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गद्दे बिछेंगे, कुछ इस तरह की ये टेबल वगैरह लगेंगी, उनके ऊपर गद्दे बिछेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि अभी दो दिन बाकी है जल चढ़ने के लिए। अभी जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा छेड़ लग रही है और मुझे भी आसानी हो रही है यहाँ पे इस एरिया को कवर करने में, वरना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, परेशानी होती है, फिर कवर नहीं कर पाते, ठीक से मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुँच पाती। और इधर जो है ये जो हॉल बना हुआ है, ये है रसोई, यहाँ पे खाना पक रहा है। आज शाम से लगभग खाना शुरू हो जाएगा, कांवड़ यात्री आने शुरू हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने 10-12 कांवड़ यात्री आ भी चुके हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अभी एक हॉल ये रहा, इधर पूरे हॉल हैं, छत पे भी लेटने की व्यवस्था, अगर कोई यहाँ पे स्पेस फुल हो जाता है किसी कारण, वैसे होने का तो नहीं, लेकिन कुछ कांवड़ यात्रियों की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो यहाँ पे लेटना पसंद करे या खुली हवा में ऊपर छत पे जाके लेटना पसंद करे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत से कांवड़ यात्री यहाँ पे आ सकते हैं। और ये पूरा मंदिर के पीछे तक एरिया कवर हो गया, हमारा मंदिर इधर पीछे है इन वॉल्स के। इधर अभी लाइटिंग वगैरह की तैयारी चल रही है और हम पार करके वापस आ गए मंदिर के सबसे पीछे की ओर। इधर फिर खेत वगैरह आ जाते हैं और अपना मंदिर इधर की साइड है। अभी हम छत पे जाएंगे, छत की साइड से कवर करके आएंगे थोड़ा सा कि छत से कैसा व्यू आ रहा है, और थोड़ा बचपन भी याद आ रहा है अपना, जब कांवड़ यात्रा के दौरान हम यहाँ आते थे इन पेड़ों पर, इसी तरह इन बच्चों की तरह मैं भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर झूला करता था। मूँछ वाले पेड़ बोलते थे हम, टार्जन वाले पेड़ भी बोलते थे, टार्जन इन पर घूम झूलता था। तो ये रहा पूरे मंदिर का व्यू अभी फ़िलहाल के लिए। एक हॉल ये रहा, इसमें अभी साफ़ सफाई होनी बाकी है, सामान आगे रखा जा चुका है, यहाँ पे पंखे वगैरह सब लग चुके हैं, यहाँ पे मतलब लगे हुए हैं, पहले से तैयार कर दिया, मतलब चल चुके चल रहे हैं ये। जब ही खुलता है ज़्यादातर, जब यहाँ पे मतलब कांवड़ यात्रा वगैरह होती है उसके दौरान ही खुलता है वाला कक्ष। ऊपर चलते हैं, प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर, और ये सबसे पुराने पेड़ों में से एक पेड़ है। मैंने पहले भी बताया, पिछले कुछ व्लॉग्स अगर आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा, ये 2-3 पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं यहाँ पे। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा भी साथ के साथ कवर करके आते हैं। बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इस मंदिर के साथ यहाँ पर, और जब त्यौहार होते हैं, कांवड़ यात्रा होती है, इस दौरान की बहुत सारी अच्छी अच्छी ये देखिए छत पे पानी की वजह से कैसी काई लग रही है, लेकिन थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर की घास का मैदान बन चुका है। ओके, यहाँ पे काफ़ी हद तक लाइटिंग हो चुकी है, पूरी छत जो है सजा दी गई है, बाउंड्री वगैरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये रेडियो नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल, तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, वरना अभी थोड़ी देर पहले तक ये रेडियो चल रहे थे, इनमें भी भजन चल रहे थे, तो ये थोड़ी देर के लिए बंद हो गए, तो मैं कवर कर पा रहा हूँ इस वजह से। ओके, इधर चलते हैं। इधर की भी छत काफ़ी बड़ी हैं, वहाँ पे भी अच्छा अच्छा नज़ारा देख सकते हैं, ताज़ी हवा शाम के टाइम और रात के टाइम काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, सुकून मिलता है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा और पेड़ों के बीच, और आप देख सकते हैं मैट वगैरह जो है चटाई टाइप का बड़े हुए छत पे डाल रखा है। एक जैसे जैसे जरूरत होती है लोग यहाँ पे जो कांवड़ यात्री थे वो वहाँ पे आके लेटने लग जाते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ओके, ओके गाइस, दिस इज़ डे वन। तो डे वन में आज ऐसी तैयारी आपको देखने को मिलती है, अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, छेड़ है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे माहौल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है देख के कि अभी तैयारी चल रही है, साफ़ सफ़ाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है अभी, धीरे धीरे यहाँ पे रश होता चला जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल तैयारी, मुझे लग रहा है कुछ तैयारी आज सुबह ही हुई है लाइटिंग वगैरह की,
वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिले थे, कुछ सब्सक्राइबर लोग जो यहीं के हैं, आसपास ही रहते हैं, तो उन्होंने बताया 2 दिन पहले से लगभग तैयारी चल रही है। आज अकेला सा फील कर रहा हूँ क्योंकि सारे A to Z सभी फ्रेंड्स जा चुके हैं ज़्यादातर कांवड़ यात्रा पे। तो नील, हिमांशु, लक्ष्य, राजा, एक दो और हैं, तो उनको लेने जाएंगे हम जब वो रास्ते में आ जाएंगे पास काफ़ी ज़्यादा घर के। तो Part 1 Day 1 में आज इतना ही, Day 2 में कवर करेंगे कल, देखते हैं कल कितना चेंज देखने को मिलेगा मंदिर पे। ओके गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बाय।